For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Welcome, हम करने वाले हैं बहुत जल्द 2020 का. 2020 आने वाला है, 2019 जा रहा है और ऐसे में मैं लेकर आ गई हूँ एक अमेजिंग कोलैबोरेशन ऑफ लिस्ट जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी 2019 की टॉप 10 फिल्म्स जिन्होंने इस साल अलग ही लेवल का बेंचमार्क सेट कर दिया है. जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और इस सीक्वेंस में बताऊंगी, मैं आपको बता दूं इस सीक्वेंस में बताऊंगी कि ये फिल्म्स जो है अपनी कमाई के लेवल पर किस तरीके से, किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाया, सबसे कम, इस तरीके से. नंबर 10 पर मैं बात करना चाहूंगी. नंबर 10 पर है 208 करोड़ के साथ सुपर 30. यस, ऋतिक रोशन की फिल्म साल की शुरुआत में आई थी सुपर 30. ऑडियंस ने ऋतिक के एक अलग ही अंदाज को देखा और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया ऋतिक के इस अंदाज को और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को मिल गए 208 करोड़ रुपीस. नंबर 9 पर है छिछोरे फिल्म. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई 212 करोड़. जी हाँ, 212 करोड़ रुपीस. अब इस फिल्म को लेकर खासियत मुझे ये लगी क्योंकि इस फिल्म का ना उतना ज़्यादा बज़ नहीं था. ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा प्रमोशंस नहीं हुए, जगह जगह जाकर यू नो बैनर्स नहीं लगाए गए, लेकिन ये फिल्म जब रिलीज़ हुई, रिलीज़ के बाद इस फिल्म ने अपना लोहा मनवाया है. सो ये डिजर्व करती है डेफिनेटली नंबर 9 पर रहना. नंबर 8 पर है टोटल धमाल. यस, यानी कि 228.27 करोड़, 228 करोड़ के लगभग इस फिल्म ने कमाए हैं. धमाल एक इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रही है हमेशा से, अगर मैं बात करूं, चाहे धमाल 1 हो जो कि सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, डबल धमाल, फिर टोटल धमाल, बेहद इंटरेस्टिंग फिल्म. बहुत सारे रीयूनियंस का भी एक सिलसिला दिखा हमें टोटल धमाल में. उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी नंबर 7 की. यस, 10, 9, 8. अब नंबर 7 की बात करते हैं. नंबर 7 पर है गली बॉय. गली बॉय मेरी इस साल की सेकेंड बेस्ट फेवरेट फिल्म है. फर्स्ट कौन सी है वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन सेकेंड बेस्ट फिल्म है गली बॉय, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं 238 करोड़. यस, रणवीर सिंह की, साथ ही साथ सिद्धांत चतुर्वेदी, आलिया भट्ट और जोया अख्तर डायरेक्टेड, ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो बॉक्स ऑफिस पर लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडियन सिनेमा को एक अलग पहचान दिलाई. जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट्स हैं उनको एक अलग पहचान दिलाई, उनको आवाज़ दिलाई इस फिल्म ने, गली बॉय ने. उसके बाद बात करूंगी मैं नंबर 5 की. यस, यानी कि नंबर 5 पर है हाउसफुल 4. जी हाँ, हाउसफुल 4 एक स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्म है अक्षय कुमार की. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज में से एक है हाउसफुल. 278 करोड़ से बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया था इस फिल्म ने, जिस लेवल का सक्सेस मिला था इस फिल्म को. उसके बाद मैं बात करूंगी मिशन मंगल की. जी हाँ, हाउसफुल 4 के बाद आता है नंबर मिशन मंगल का, जहां पर इस फिल्म ने 290 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर कमाए, विच इज अगेन अ ट्रिमेंडस नंबर बिकॉज मिशन मंगल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स है विद अ गुड मैसेज. एक अच्छे ही यू नो अगस्त के मौके पर रिलीज हुई थी ये फिल्म, एक अच्छे नोट पर, एक इंस्पिरेशनल नोट पर ये फिल्म रिलीज हुई और ऑडियंस ने खूब सराहा इस प्यार को. उसके बाद आता है भारत. जी हाँ, सलमान खान स्टारर भारत 2019 के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में से एक थी और इसीलिए ये फिल्म जो है नंबर 4 का स्पॉट डिजर्व करती है. 325 करोड़ इस फिल्म ने कमाए हैं ओवरऑल. उसके बाद नंबर 3 पर है, यस, 3, 2, 1 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. नंबर 3 पर है फिल्म जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका लाइफ टाइम बिजनेस बहुत ज्यादा है, जो कि है 342 करोड़. और ये फिल्म है उरी. जी हाँ, उरी ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा डाली थी जब ये फिल्म आई. हाउस जोश हाई सर, हर किसी का जोश हाई हो गया था. 342 करोड़ इस फिल्म ने कमाए हैं. उसके बाद सेकेंड नंबर पर आती है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वॉर, जिसका एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था क्योंकि टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन एक साथ एक फ्रेम में देखने को मिल रहे थे और ये फुल ऑन पावर पैक एक्शन फिल्म है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 374 करोड़, जितनी एक्सपेक्टेड थी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म ने दिखाया बॉक्स ऑफिस पर. अब बात करते हैं 2019 की किंग. यस, यानी कि वो फिल्म जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की 2019 में और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा कमाई के साथ साथ ऑडियंस के दिलों में भी खूब राज किया. काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी लोगों ने अपलॉड किया, लेकिन इस फिल्म ने ऑडियंस के दिल में खूब घर बनाया और ये फिल्म थी नन अदर देन कबीर सिंह. यस, कबीर सिंह फिल्म है नंबर 1 स्पॉट पर क्योंकि 2019 की ये वो फिल्म है जिसने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है और इसका टोटल अमाउंट है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 379 crores. Yes, that is a whopping amount, near around 400 crores, जो कि music rights मिलाकर 400 हो ही गया होगा, I'm sure. लेकिन 379 crores box office पर इस फिल्म ने धड़ल्ले से कमाया है.
सो ये थी टॉप 10 फिल्म्स 2019 की, जो कि आप लोगों ने, ऑडियंस ने पसंद की है। लेकिन आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अब आप मुझे बताइए क्या आप इस रैंकिंग से सहमत हैं या नहीं। अगर नहीं तो कमेंट्स करके बताइए आपकी फेवरेट फिल्म इन सारी फिल्म्स में से कौन सी थी। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।